सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ इस तरह से आज अपन अपने व्लॉग का ओपनिंग कर रहे हैं बिकॉज टॉपिक भी उसी के रिलेटेड है। सो यस गाइस, अभी आज अपन अपने जो ये नए वाले कैमरा है विच इज़ DJI Osmo Action 4, जो मैंने अभी रिसेंटली लिया हुआ है, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। नहीं देखा रहेगा तो यहाँ पे देखिए आई बटन में दिख रहा है, जाके देख सकते हो। सो गाइस, बात करते ये वाले व्लॉग की, तो बहुत सिंपल और शॉर्ट में मैं 10 ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिस वजह से मैंने खुद ने ये वाला कैमरा परचेज़ किया है। और आप भी अगर सोच रहे कोई एक्शन कैमरा लेने के लिए तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको ये वाले व्लॉग से मिलने वाली है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यस, लाइक ऑलवेज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कॉन्टेंट्स अगर अच्छे लग रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है मेरे चैनल से, सो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, सो फाइनली अपन अभी गाड़ी पे आ चुके हैं और कुछ इस तरह से अपना ये नया वाला कैमरा का सेटअप है। अपन ने ऑलरेडी वायरलेसली कनेक्ट किया। देखो यहाँ पे किधर भी आपको वायर नहीं लिखेंगे। सो बारिश के लिए सबसे बेस्ट और अपना नया कैमरा और सबसे फर्स्ट एक छोटा सा टेस्ट राइड जैसा काइंड ऑफ अपन अभी करने जा रहे हैं। चलो करते हैं, बहुत टाइम की। ओ क्या बात है भाई साहब, 15 दिन के बाद बाइक निकाला, एक सेल्फ में गाड़ी चालू, ये अपना सम्राट। चलो चलो बाइक, चलो निकलते हैं। बारिश का मौसम भी चालू है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी चालू है। सो अभी अपन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे जाने वाले हैं। ऑफिस का काम है, इसके लिए मैं अभी निकल रहा हूँ। और उसी के साथ ही साथ सोचा कि चलो थोड़ा सा ये वाला कैमरा जो है, अभी मैंने वाइज़र बंद कर दिया तो थोड़ा सा आवाज़ में चेंज आ सकता है, तो वाइज़र बंद कर दिया है। तो बोल रहा था कि ऑफिस का काम है और ऑफिस के काम करते करते सोचा कि चलो थोड़ा सा ये नए वाले कैमरा का करते हैं टेस्टिंग, बिकॉज़ मोटो व्लॉगिंग में बारिश में अपने को भाई ये काफ़ी यूज़ होने वाला है। ये कैमरा लेने के पीछे ना यार काफ़ी सारे रीज़न्स थे। जैसे मैंने अभी इसके पहले डाला था एक व्लॉग जिसमें अपन ने ये वाले कैमरा को किया था अनबॉक्स, तो वो खाली अनबॉक्सिंग वीडियो था और सोचा कि चलो एक इसका एक शॉर्ट में रिव्यू का एक ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यार एक्शन कैमरा ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा इससे। सो बेसिकली देखो, मैंने GoPro भी यूज़ किया हुआ है, DJI भी इसके पहले यूज़ किया था। सो मेरे पास में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपेयर करने का दोनों को। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सिंपल है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो, आपको अगर आप मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करते हो या फिर ट्रैवल भी करते हो, सो आपको ना एक कॉम्पैक्ट चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो कैमरा आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए। सबसे पहले मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें से सबसे पहले तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, और उसके जो एक्सेसरीज़ होते हैं एड ऑन एक्सेसरीज़ की, अपन यार स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसमें काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ लगाते हैं। जैसे GoPro में अगर आपको माइक यूज़ करना है तो यार आपको मीडिया मोड लो या उसका एक माइक एडाप्टर आता है विच इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, तो वो सब तामझाम करना था सबसे पहला रीज़न। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं। देखो वायरलेसली कनेक्ट हो चुका है, मैंने वायरलेस माइक इस पर कनेक्ट किया है। आप कोई भी वायरलेस माइक कनेक्ट कर सकते हो इस पर, बट मैंने जो फ़िलहाल किया है वो मेरा यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगा, DJI का Mic 2 है जो मुझे Pocket 3 के साथ मिला था, तो वो इसके साथ में इजीली कनेक्ट होता है। तो एक नया फर्मवेयर अपडेट आया था Osmo Action 4 का, जिसमें यू कैन एक्चुअली कनेक्ट इट, और वही चीज़ सेकेंड है अपनी। सो बेसिकली कनेक्टिविटी वायरलेसली अगर हो रही है कैमरे में और उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है ना, तो भाई उससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। सो इस वजह से वो भी एक अच्छा फैक्टर था टू गो फॉर DJI अगेन। थर्ड पॉइंट ये है कि मोटो ब्लॉगिंग करते वक्त या ट्रैवल बाइक से करते वक्त, लॉन्ग जर्नी करते वक्त यार आपका हेलमेट ऑलरेडी जो अपना हेलमेट होता है वो वैसे भी काफ़ी हैवी होता है और उस वजह से अपने नेक पे प्रेशर आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा जो मोटो व्लॉगिंग करते, कि अगर आप लॉन्ग राइड करते हो कंटिन्यूसली 250 किलोमीटर्स करते हो तो ना एक टाइम आता है जहाँ पे आपका नेक पे प्रेशर आने लग जाता है हेलमेट का। तो वो उसका मेन रीज़न ऑब्वियसली सबको पता होगा भी ये चीज़। तो आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो उसका हैवीनेस जो होता है वो, और आपके चिक्स पे उसको प्रॉपरली बैठना चाहिए ना कि सर पे हेलमेट को। सो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सो अब बात करते हैं फिर DJI क्यों, मतलब इससे DJI मतलब ये वाले कैमरे का क्या ही मतलब है। सो GoPro में मैंने आपको बताया है कि GoPro में कैसे उसके अलग अलग अपने को एक्सेसरीज़ लेने पड़ते हैं माइक पे से बात करने के लिए, से मोटो व्लॉगिंग करते वक्त। सो मीडिया मोड लगाओ, ऑलरेडी GoPro काफ़ी हैवी होता है कंपैरेटिवली DJI का। सो उस वजह से भी ऑलरेडी वेट ज़्यादा होता ही है, प्लस मीडिया मोड लगाओ तो उस वजह से ना आपका ऑलरेडी वेट काफ़ी बढ़ जाता है, और उस वजह से आपका नेक पेन जो है जो 200-250 किलोमीटर पे होना है वो काफ़ी जल्दी महसूस होना चालू हो जाता है। तो उस वजह से देखो छोटा भी है, कॉम्पैक्ट भी है, वेट कम है। करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि गाइस देखो अभी सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर आपको एज अ व्यूअर आपको कितनी सारी चीज़ें देखने को अच्छी लगेगी। मोटो व्लॉगिंग आप देखते हैं, कोई अच्छे अच्छे जगह पे आप लोकेशन पे जाते हैं, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं या कार से ट्रैवल करते हैं, तो मेजरली जो एंगल होता है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दो चीज़ मतलब बेसिकली एंगल और आपका वॉइस, ठीक है। सो एंगल आपका अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप अगर बाइक चला रहे तो आपके बाइक का ये पोर्शन जो है इफ़ यू कैन सी, तो बाइक के आपको हैंडल वगैरह दिख रहे हैं। सो आप कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ तो फोरग्राउंड में कर रहे हो वो दिखता है यूजर को, प्लस व्यूज़ वगैरह वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो व्यूज़ भी दिखना ज़रूरी होता है। DJI ने एक्शन 4 में 155 का पूरा वाइड एंगल दिया हुआ है भाई, मतलब GoPro से भी ज़्यादा वाइड एंगल दिया है। फ़िलहाल के लिए मैंने रॉक स्टडी ऑन किया है, इस वजह से थोड़ा क्रॉप दिखेगा, बट रॉक स्टडी रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो ज़्यादा बहुत मोमेंट्स आ जाती है और देखने को भी अच्छा नहीं लगता। बट रॉक स्टडी अगर मैं हटा दूँ तो अभी आपको इतना दिख रहा है। सो अभी जो व्यू आप देख रहे हो गाइस, ये अभी मैंने रॉक स्टडी मोड जो होता है इसके अंदर में उसको अभी अपन ने कर दिया है ऑफ, और कुछ इस तरह से ये इतना वाइड जो 155 mm मैं आपको बता रहा था, तो 155 mm के बारे में आपसे बात कर रही थी वाइड एंगल, वो ये है। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये वाला व्यू अच्छा था या इसके पहले वाला विथ रॉक स्टडी ऑन। कभी भी एपेचर, शटर स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में बेसिकली। सो इसका जो एपेचर है f2.8 है गाइस, 2.8 एपेचर, मतलब लो लाइट में भी क्या ही ये कैप्चर करेगा इमेजेस। ग्रेन्स वगैरह काफ़ी कम आते हैं। अभी मैंने इसको फ़िलहाल टेस्ट तो नहीं किया है नाइट में, बट मैं डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई करूँगा नाइट में, एक बार कहीं पे जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट ऐसा है कि यार देखो आपने को सेंसर, जो कैमरा होता है, कैमरा में ना एक सेंसर होता है राइट। तो सेंसर अगर जितना अच्छा बड़ा हो उतने ज़्यादा आप रेजोल्यूशन में इसको शूट कर पाते हो गाइस। सो इसका जो सेंसर इन्होंने दिया है, जो मेरे पास में ड्रोन है वो भी DJI की तरफ से ये है जो मिनी 4 प्रो है, उसका और इसका सेंसर दोनों का सेम है। 1:3 का सेंसर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 1 इंच का सेंसर मिल रहा है आपको इतने छोटे एक्शन कैमरा में। मतलब क्या ही बताएंगे, मतलब कितना वास्ट आप इसको प्रॉपरली शूट कर पाओगे। यार ये ना मुंबई की ट्रैफिक तो ख़त्म होने से रही, चाहे कितने भी मेट्रो बनाओ, कितने भी चीज़ें करो, कितने भी फ्लाईओवर्स बनाओ, मुंबई में ना ट्रैफिक कम होने वाली है नहीं। सो अभी बढ़ते हैं अपने 7वें पॉइंट के ऊपर। सो 7वें पॉइंट मतलब क्या है, 7वें पॉइंट की बात करूँ तो गाइस यार आपको कैमरा ऑपरेट करना इजी होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। इसमें प्रो मोड्स भी है, प्रो सेटिंग्स भी कर सकते हो, और अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा इसको शूट करना है तो वो भी कर सकते हो। और एक चीज़ हमको बताओ, मैं थोड़ा भी बाइक चला रहा हूँ बट इसके सामने वाला जो स्क्रीन है ना, ये देखो ये भी टच स्क्रीन है भाई, मतलब DJI टेक्नोलॉजी में तो एक नंबर है भाई ये। भाई आगे का भी स्क्रीन टच स्क्रीन दिया हुआ है, मतलब अब आगे भी वाइल्ड मोटो व्लॉगिंग अगर आपको लगा तो आप सेटिंग्स वगैरह जो भी है आप चेंज कर सकते हो पीछे बिना देखें। और क्या चाहिए, मतलब बताओ, इतनी सारी चीज़ें, 7-8 मैंने आपको पॉइंट्स अभी तक बताए हैं, तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको एक कैमरे से मिल रही है तो मतलब सोचने की बात है। मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा इस बी फ्रेंकली, मैंने ये खुद के पैसे से परचेज़ किया हुआ है और मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ इसके ऊपर। ये चाहता हूँ कि बहुत सिंपल से कुछ स्वीट एंड शॉर्ट रखें, और जो भी एक्चुअल में लेना चाहते हैं, जो मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, जो व्लॉगिंग बेसिकली करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कैमरा फ़ायदेमंद है। तो वही 8th पॉइंट अपना आता है कि अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह भी करना है ना भाई, मैंने इससे किया हुआ है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला तो वो वाले वीडियो में मैं ये वाला कैमरा लेके गया था क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। यस, सो व्लॉगिंग प्लस वाटरप्रूफ मतलब सेट है बस, सेट। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वीडियो एडिटिंग का, सो उनको पता होगा कि यार कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखो कैमरा तो ऑब्वियसली अच्छे अच्छे कलर्स निकाल के आपको देता है, बट उसके अलावा भी अगर आपको कोई कलर स्कीम, जैसे बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा रहेगा कि वो लोग एक कलर थीम पे वो लोग बेसिकली एडिटिंग करते हैं, उसी तरह से ना इसका जो कलर ग्रेडिंग जो है ये भी आप इसमें कर सकते हैं, बिकॉज इसमें DJI ने इस पर 10 बिट D-Log दिया हुआ है। मतलब 10 बिट D-Log में आप मिलियंस में कलर ग्रेडिंग, मतलब कुछ जैसे चाहिए आप कलर ग्रेडिंग इसको प्रॉपरली कर सकते हैं। मैं कलर ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं करता है, बट थोड़े बहुत जो करेक्शंस होते हैं, थोड़े बहुत करेक्शंस जो होती है मैं वो डेफिनेटली करता हूँ। हाँ, तो कलर ग्रेडिंग में और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इनकी इधर ये साइड आएगा और इनको झुक के सलाम नहीं करेगा तो भाई अपना तो क्या ही है। सो हमेशा जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं ज़रूर उनको झुक के मुजरा बोलता हूँ, हमें वो करते हैं हमारे महाराज के लिए। तो अभी बस थोड़े टाइम में मैं पहुँचने वाला हूँ ऑफिस, तो थोड़ा फटाफट एक काम करता हूँ। 9 पॉइंट्स तो मैंने बता दिए, 10वां पॉइंट मैं थोड़ा ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद मैं बैक टू होम, तब मैं आपको 10वां पॉइंट बताऊंगा। मतलब जो मेरे ये वीडियो बनाने के पीछे जो मोटिव था कि आपको ऐसे 10 पॉइंट्स मैं बताऊँ जो आपको बेसिकली कैमरा लेने में गाइड करे, और आपकी जितनी सारी कन्फ्यूजन होगी वो थोड़ी बहुत इस 9 पॉइंट्स एटलीस्ट तो दूर हो गई रहेगी। 10वां पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और सबसे ज़्यादा अपने दिमाग में आता है वो वाला है। सो मैं फटाफट मेरा काम कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। अभी ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपको 10वें पॉइंट के बारे में, जो आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना, वो उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा आपसे। सो वो इसके वजह से मैंने ये अभी कैमरा हाथ में लिया हुआ है। सो कैसा होता है ना कि गाइज़ बहुत सारे एक्शन कैमरे में ना ये वाला फ़ीचर है ही नहीं, मैंने बहुत रिसर्च किया क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ना ज़माना है शॉर्ट्स और रील्स का। सो शॉर्ट्स और रील्स के लिए क्या चाहिए, वर्टिकली शूट करना होता है। सो इस वजह से ये कैमरे में वो फ़ीचर अपने को मिलता है कि गाइज़ अपन वर्टिकली इससे शूट कर पाते हैं। क्या है, कैसे करते पता है, बहुत सिंपल है। ये देखो मैंने ये लगा दिया, 1 मिनट, मैंने ये इसको, ये देखो लग गया, और अभी अपन इससे थोड़ा सा वर्टिकली शूट करके मैं आपको बताऊंगा। 1 सेकेंड, जैसे आप देख पा रहे हो कि अभी अपन कर रहे हैं वर्टिकली शूट। सो अपन इसको वर्टिकली भी भाई साफ शूट कर सकते हैं, मतलब क्या चाहिए। और 10 ऐसी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी अपन जाएंगे घर पे और थोड़े से बेसिक सेटिंग्स जो है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने अभी फ़िलहाल सेट किया हुआ है अपने ये वाले कैमरा पे, जो बेसिक सेटिंग्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। सो गाइस फाइनली अपन घर पर पहुँच चुके हैं। ट्रैफिक थोड़ी मिली मुझे, मुंबई है ऑब्वियसली, मुंबई में ट्रैफिक तो मतलब कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखा रहेगा, सो मैंने जो अभी कैमरा लिया है विच इज़ DJI Osmo Action 4, उसके 10 ऐसी चीज़ बता रही थी जिस वजह से मैंने खुद ने ये कैमरा लिया है। और अगर आप भी प्लान कर रहे हो कोई एक्शन कैमरा लेने का, तो मे बी आपको थोड़ा सा इसके अंदर में से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो सेटिंग्स मैं फ़िलहाल जो यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैंने ये पूरा शूट किया था विच वॉज 4K 30 FPS पर मैंने इसको शूट किया था। कलर मोड नॉर्मल रखा था मैंने, इसका मैंने डी लॉग वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, जैसे डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम द कैमरा। और इस पर बस खाली वाइड एंगल और सुपर वाइड एंगल भी अपन ने इस पर ट्राई किया था। सो यही सेटिंग्स में मेरे मोस्टली यूज़ करता। वेल्स होगा, इस वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल के कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ऐसी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय हिंद।